पाकिस्तान तो पस्त है, लेकिन लगता है अब बांग्लादेश को सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि कल बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बल ने भारत के एक जवान की हत्या कर दी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। आज जुम्मत मुबारक है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो जनाब, जिस तरह से इंडिया ने हठधर्मी से मुजाहरा किया, बांग्लादेश के सोल्जर को शहीद किया, फिर उसकी डेड बॉडी आई भारत से बांग्लादेश में, बांग्लादेश में काफ़ी इसको लेकर गुस्सा पाया जा रहा है बांग्लादेशियों में, और एक बदले की आग, और फिर कैसे बांग्लादेश ने भी बीएसएफ के जवान को गोलियों से छलनी किया, कैसे बीएसएफ को मारा, और वो मैंने आपको बताना है इस वीडियो में। हमारे पास वीडियो क्लिप भी है, वो भी हमने देखना है। मैंने आपको कहा था कि बांग्लादेश भी ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ये नहीं हो सकता कि आप हमें फायर खोलें और हम आपको फूल गिफ्ट करें, ये नहीं हो सकता। अब बांग्लादेश ने जिस तरह से धमाकेदार एक बड़ा जवाब, वो मैं आपको स्टोरी जरा सुनवा देता हूँ, वो आप इसके ऊपर हमारे पास एक वीडियो क्लिप भी है, वो भी हम देखेंगे। कि आपको पता है कि जो बीजीबी जवान है वो कैसे कैसे उनकी ट्रेनिंग होती है, और कैसे जनाब वो दुश्मन के ऊपर हमला आवर होते हैं, वो सबको पता है। बड़ी प्रोफेशनल फोर्सेस है बांग्लादेश की। अब इल्सा फिश के जब होता है ना, 3 महीने एक साल में, आप 3 महीने ना इल्सा फिश जो फिशरमैन है वो पकड़ते हैं उसे, 3 महीने से ज़्यादा नहीं है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई है। लेकिन हिंदुस्तानी फिशरमैन स्मगल करते हैं, चोरी चोरी वहाँ से निकाल कर भारत में लेके जाते हैं। तो बांग्लादेश बीजीबी फोर्स ने अब पकड़ लिया किनको जी, इंडियन फिशरमैन को। और जैसे ही पकड़ा तो बीएसएफ के जो जवान हैं इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स के, वो आ गए मीटिंग करने के लिए बीजीबी के साथ, बीजीबी फोर्स के साथ। कौन होते हो आप हमारे जो उसको के उसको फार्मर्स को कौन होते हो पकड़ने वाले, फिशरमैन को आप पकड़ने वाले होते कौन हो, यानी दादागिरी, रो प्रेशर, इस तरह की बातें करना शुरू करती है उन्होंने। लेकिन फिर व्यूअर्स होता क्या है, फिर जो बीजीबी है वो फायर खोल देती है, और बीएसएफ के तकरीबन 1-2 लोगों को गोलियां लगती हैं, बीएसएफ एहलकारों को, जिनमें से एक फौरी वहीं उसकी डेथ हो जाती है और एक जख्मी हो जाता है, उसको ले जाते हैं और फिर ये धुम दबाकर जल्दी से वहां से खिसक जाते हैं, दौड़ जाते हैं, और उनको पता चल जाता है कि बीजीबी आज हमें नहीं छोड़ने वाली। ये कुछ अरसा पहले की बात है, लेकिन कुछ दोस्त ये भी कह रहे हैं कि अब बांग्लादेश जो बीजीबी फोर्स है उस तरह का वाकया फिर करेगी, बदला लेगी, और ये बदला ले भी सकती है क्योंकि इनकी ट्रेनिंग जारी है। बांग्लादेश में एक कहावत है कि आपके जो वेपन्स हैं, आपके हथियार हैं, वो चाहे खामोश हैं, लेकिन आपके जो सिपाही है, आपके जो सिक्योरिटी है, वो तैयारी करती रहती है, वो किसी भी वक्त बदला ले सकती है। अब बदला तो बांग्लादेश किसी भी वक्त ले सकता है, और यही वजह है कि इंडियन डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खौफ है, डरपोक इतनी है कि उन्होंने अपने जो गांव हैं बॉर्डर के साथ, जितने भी विलेजेस हैं उनको खाली करवा लिया है। वहां पर इस वक्त खामोशी है, वहां पर इस वक्त डर की फजा है, खौफ है। तो अब बांग्लादेश के जो बीजीबी के चीफ है ना, वो भी ये कह चुके हैं कि बदला हम लेंगे, और हम अब जो हमारा सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो गया है। इसके ऊपर व्यूअर्स एक वीडियो क्लिप है, पहले मैं चाहूँगा कि वो वीडियो देख लें, फिर उसके ऊपर हम बात भी करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। सबसे पहले आप दुआ कर लें मगफिरत की, जिनको शहीद किया गया है, सिपाही मोहम्मद यासुद्दीन, और आज जुमातुल मुबारक है, उनके लिए फातिहा भी करें, उनके लिए दुआ भी करें, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, सबको आमीन। लेकिन अब ये वीडियो देखते हैं कि अब जनाब क्या करने जा रही है, और बांग्लादेश बीजीबी और इनकी आपस में क्या स्ट्रेटजी क्या बनाई जा रही है, और कैसे अब धूल चटाई जाएगी, ये सब कुछ वीडियो देखने के बाद इसके ऊपर बात करें। 3-2-1 एंड क्यू। Oh, my God.
যশোরের সারসার শিকারপুর সীমান্ত দিয়ে বিজিবির সৈনিক রইস উদ্দিনের মরদেহ হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। বুধবার সকাল 11:30টায় শার্শা উপজেলার শিকারপুর সীমান্তের খামারপাড়া ও ভারতের গাঙ্গুলিয়া সীমান্তের মেইন পিলার 28 দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়। বিজিবির সৈনিকের মরদেহ হস্তান্তরের সময় উপস্থিত ছিলেন যশোর 49 বিজিবির সিও লেফটেন্যান্ট জামিল আহমেদ ও ভারতীয় বিএসএফ এর 107 ব্যাটালিয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা। খবরों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान तो पस्त है लेकिन लगता है अब बांग्लादेश को सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि कल बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बल ने भारत के एक जवान की हत्या कर दी। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ के एक जवान की मौत, एक जवान घायल हुआ। बीएसएफ का जवान किसी आतंकी हमले का शिकार नहीं हुआ, बल्कि बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी ने ये हिमाकत की है। बीजीबी की फायरिंग में हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान की मौत हुई। दरअसल बॉर्डर के इलाके में 3 मछुआरे पद्मा नदी में मछली पकड़ने गए थे, उसी दौरान बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के जवानों ने उन्हें पकड़ लिया। बाद में 2 मछुआरों को छोड़ दिया गया और तीसरे मछुआरे को फ्लैग मीटिंग के बाद छोड़ने की बात कही। बीजीबी और बीएसएफ के जवानों के बीच फ्लैग मीटिंग हुई। बीजीबी के जवानों ने बीएसएफ की टीम को घेरने की कोशिश की। अपने को घिरता देख बीएसएफ जवान अपनी सीमा की तरफ लौटने लगे। गुस्से में बीजीबी के जवानों ने पीछे से बीएसएफ जवानों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में बीएसएफ के एक जवान के सिर में गोली लगी, दूसरे बीएसएफ जवान के हाथ में गोली लगी। सिर में गोली लगने से बीएसएफ के हेड कांस्टेबल विजय भान सिंह की मौत हो गई। विजय भान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रहने वाले थे। बीएसएफ ने इस बारे में बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के आला अधिकारियों से कड़ा एतराज जताया है। घटनास्थल पर बीएसएफ के सीनियर अधिकारी मौजूद हैं। जिस भारतीय मछुआरे की रिहाई के लिए फ्लैग मीटिंग बुलाई गई थी, वो अब भी बांग्लादेश की हिरासत में है। आपने ये वीडियो देखी है, इससे एक चीज वाज़ेह हो सकती है कि चोरी ऊपर से सीना जोरी, और इनके जो मछुआरे हैं वो चोरी करते हैं। फिशरमैन हैं वो चोरी से बांग्लादेश की इल्सा फिश लेकर आने की कोशिश करते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, उसके बाद धमकियां लगाते हैं। यानी इनके बीएसएफ के जो जवान अहलकार हैं, बॉर्डर गार्ड फोर्स हैं, और बीजीबी को ये धमकियाँ लगाते थे और दादागिरी करते थे। आके उनको कहते थे कि आपकी ये जुर्रत कैसे हुई कि हमारे लोगों को आप पकड़ते हो, छोड़ते नहीं हो, आपकी ऐसी की तैसी। फिर वही हुआ कि जब हाथ में किसी के पास भी असलह और वेपन हो तो जब गुस्सा आता है तो फिर वो बर्दाश्त थोड़ा ही होता है, और फिर उनको भून डाला। बीएसएफ के 2 जवानों को गोलियां लगी, यानी इंडियन फोर्स के, जिनमें से एक मौके पे ही जाँ बहक हो गया और एक शदीद ज़ख्मी हो गया। ये तो इनकी रियलिटी है। आपने इसके बारे में बताना है कि कैसे ये प्रोपेगेंडा करते हैं इंडियंस और फिर पकड़े भी जाते हैं, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।